नए शेर सुनाने का बड़ा शौक है, मैं इसलिए चाह रहा हूं कि नए शेर पढ़ूं। एक मतलब, एक गजल मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, समाप्त फरमाएं। उसका मतलब यह है कि खंडर से दिल में फिर कोई तमन्ना घर बनाती है, खंडर से दिल में फिर कोई तमन्ना घर बनाती है, मेरे कमरे में एक नन्ही सी चिड़िया घर बनाती है। खंडर से दिल में फिर कोई तमन्ना घर बनाती है, मेरे कमरे में एक नन्ही सी चिड़िया घर बनाती है, मुकद्दर के लिखे को लड़कियां बिल्कुल नहीं पढ़ती, मुकद्दर के लिखे को लड़कियां बिल्कुल नहीं पढ़ती, वो देखो रेत पर बैठी वो गुड़िया घर बनाती है। मुकद्दर के लिखे को लड़कियां बिल्कुल, मुकद्दर के लिखे को लड़कियां बिल्कुल नहीं पढ़ती, वो देखो रेत पर बैठी वो गुड़िया घर बनाती है। और शेर यह किया है कि किसी की बेघरी मंजूर होती तो महल होता, किसी की बेघरी मंजूर होती तो महल होता, उधर देखो मेरे छप्पर में चिड़िया घर बनाती है, उधर देखो मेरे छप्पर में चिड़िया घर बनाती है, किसी की बेघरी मंजूर होती तो महल होता, उधर देखो मेरे छप्पर में चिड़िया घर बनाती है। और शेरियत क्या है कि निगल लेती है लड़कों को बड़े शहरों की रंगीनी, निगल लेती है लड़कों को बड़े शहरों की रंगीनी, न जाने किस तमन्ना में ये बुढ़िया घर बनाती है, न जाने किस तमन्ना में ये बुढ़िया घर बनाती है, निगल लेती है लड़कों को बड़े शहरों की रंगीनी, न जाने किस तमन्ना में ये बुढ़िया घर बनाती है। और शेरियत क्या है कि जलाकर राख कर देती है एक लम्हे में शहरों को, जलाकर राख कर देती है एक लम्हे में शहरों को, सियासत बस्तियों को रोज कूड़ा घर बनाती है, सियासत बस्तियों को रोज कूड़ा घर बनाती है, सियासत बस्तियों को रोज कूड़ा घर बनाती है। और शेर आखिरी है कि चलो इमदाद करना सीख लें हम भी हुकूमत, चलो इमदाद करना सीख लें हम भी हुकूमत से, ये पक्का घर गिरा देती है कच्चा घर बनाती है।